पानसेमल विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक श्याम बर्डे ने अपनी विधानसभा के कई ग्राम पंचायत जमनिया गवाड़ी राई साखड़ में निर्माण कार्यों को लेकर किया भूमि पूजन। वही इस मौके पर विधायक श्याम बर्डे ने इस मौके पर आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं लगातार इस प्रयास में हूं कि इस क्षेत्र में विकास व रोजगार के नए अवसर बनाए जाएं, जिसके चलते मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से लगातार संपर्क में हूं और मेरा प्रयास है कि सिंचाई के लिए कार्य किया जाए ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। लगभग 15 करोड़ के निर्माण कार्यों को लेकर आए हैं और आगे भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे। वही इस मौके पर कुछ ग्रामीण नल जल योजना की समस्या को लेकर पहुंचे ग्रामीणों को कहना था कि मरसिंगिया ग्राम में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसको लेकर वन विभाग द्वारा पाइपलाइन का कार्य बंद कर दिया गया है, जिस पर से विधायक जी ने तत्काल सिंधवा DFO को फोन लगाकर ग्रामीणों के सामने ही समस्या का निराकरण करवाया। यूनिक इंडिया न्यूज के लिए निवाली से ज्ञानेश्वर लाड़ की रिपोर्ट। विधानसभा पुल पुलिया भवन के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत करा के लाया हूँ, इसलिए पूरी विधानसभा से जो मेरी जनता है तो वोटों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी निमित्त में आज चाटली मंडल के कुछ ग्रामों में आया हूँ मैं। आज मेरा 11 ग्रामों का कार्यक्रम है। 11 गांवों में कहीं सीसी रोड, कहीं पुलिया, कहीं सामुदायिक भवन का भूमि पूजन था। इसी निमित्त आज लगभग 2.5 करोड़ का भूमि पूजन किया है मैंने। इधर पीपलधार में 30 लाख का, थेगी में 22 लाख का, हमारे गवाड़ी में 19 लाख का, अपने यहाँ 10 लाख का, हमारे मरसिंगा में है, अपना मरसिंगा में है, भेजदड़ है, बुरा पानी है, मोहरतमाल है, काकड़ है, चाटली है, तुंदरी है, चिलगढ़ है, खेड़ी है। आज के मेरे दिन भर सारे ऐसे 3 करोड़ के लगभग के कार्यक्रम का देखिए। बड़े रोजगार के लिए भी मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह करा है। मेरा जिला पूरा ट्राइबल जिला है, इसलिए मुख्यमंत्री जैसे मैं निर्वाचित होगा उसी समय मेरे रोजगार को लेकर उस गांव में, इस विधानसभा में रहने वाले सभी लोगों की चिंता करते हुए मैंने बड़े बड़े जो भी रोजगारों को लेकर मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया ने। मैं आश्वस्त रहा है शाम जी, 6 महीने साल भर होने दे, आपकी विधानसभा में भर भर के भेजूंगा मैं, चिंता नहीं करें।